है खास हर अंदाज। किशन, ये टेस्ट एक पत्नी का था अपनी पति की जान बचाने के लिए। बड़ी माँ, किशन कोई फाइटिंग कंपटीशन नहीं चल रहा था वहां पर, जिसके लिए किसी को ट्रेनिंग लेनी पड़े। और किशन, आज साक्षी ने जो त्याग और बलिदान दिया ना, वो त्याग और बलिदान ही काफी है एक पत्नी को सबकी नजर में ऊंचा उठाने के लिए। या अग्नि, तुम ठीक हो? किशन, हम ठीक हैं। अम्मा जी, आप मानती हैं ना साक्षी ने ये दूसरी प्रतियोगिता जीत ली? अब सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो क्यों ना सात वचनों की तीसरी प्रतियोगिता का प्लान बना ले। हाँ माँ जी, लेकिन इस बार ना कोई जोखिम वाला प्लान नहीं करेंगे। बेचारी साक्षी पिछली बार घायल हो गई थी। हाँ माँ जी, हम क्या कह रहे थे, हमारे पास भी ना एक जबरदस्त प्लान है, आप कहें तो हम बता दें। बोल। हाँ, हम क्या कह रहे थे, पत्नी को कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको अपने पति को रिझाना जरूर आना चाहिए। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एक बार किशन और अग्नि को एक कमरे में बंद करते हैं और फिर बाद में किशन और साक्षी को बंद करते हैं। अब देखते हैं किसके साथ कमरे में रहने के बाद किशन के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ता है। तो बस फिर मान लेते हैं। कैसी लगी हमारी, हमारा ये सुझाव कैसा लगा आपको? बहुत ही वाहियात आइडिया है, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बेहुदा बात करते हुए? वैशाली, इस घर की कुछ मान मर्यादा है और हमने अपने किशन को ऐसे संस्कार नहीं दिए।